बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए हमने लिया है ये 3 टेबलस्पून ऑयल है, एक मीडियम साइज प्याज है जिसे हमने बारीक कट करके लिया है, 8-10 लहसुन की कलियां है जिसे भी हमने बारीक कट करके लिया है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, 150 ग्राम हमने पनीर लिया है और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। तो आइए पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए पहले हमें पालक को बॉईल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले गैस ऑन करती हूँ और उसमें 2 ग्लास पानी डालती हूँ। पानी ज़्यादा नहीं लेना है, पानी गर्म होने के बाद उसमें हम पालक डालेंगे। अच्छे से धो लेना है, नमक के पानी से धोना है उसको। अभी हमारा पानी गर्म हो चुका है तो उसमें हम ये पालक डालते हैं। उसके साथ में हमें 3-4 हरी मिर्च डालनी है और 8-10 लहसुन की कलियां डालनी है। ज़्यादा पानी नहीं लेना है हमें क्योंकि वो पानी बाद में हमें यूज़ नहीं आता। 2 मिनट के लिए पालक को हमें गर्म पानी में रखना है। पालक बॉईल हो चुका है, अब हम गैस ऑफ करते हैं। पर ये मैंने पानी लिया है उसमें मैंने बर्फ डाला है, मुझे ब्लांचिंग करना है पालक को और हरी मिर्च और लहसुन को, तो मैं ये उसमें डाल देती हूँ। पानी हमें यूज़ नहीं करना है। ये मैंने पालक, हरी मिर्च और लहसुन सबको इसमें डाल दिया। इसको बर्फ के पानी में रखा है, इसको अभी मैं निचोड़ के लेती हूँ। थोड़ा सा ही निचोड़ के लेना है, मतलब एकदम ज़्यादा इसको ये नहीं करना है। और ये करके मुझे मिक्सी में इसका प्यूरे बनाना है। इसके साथ में मिर्ची और लहसुन भी लेना है हमें। अभी मैं मिक्सी में इसका प्यूरे बना। पालक पनीर बनाने के लिए चाहिए ऑयल 3 टेबलस्पून, मीडियम साइज प्याज है जो मैंने बारीक काट के लिया है, लहसुन है 8-10 कलियाँ जो भी मैंने कट करके ली है, स्वाद अनुसार नमक है, पनीर है 150 ग्राम और गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये पालक, हरी मिर्च और लहसुन का प्यूरे जो मैंने मिक्सी में से निकाला है। अभी मैं गैस ऑन करती हूँ और उसमें ये जो मैंने ऑयल लिया है वो डाल दिया। ये ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे उसमें पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं उसमें ये सब पनीर डालती हूँ जो मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है। अब मैं उसे निकाल लेती हूँ। अभी मुझे इतना ऑयल नहीं चाहिए सब्जी के लिए तो मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। इसमें मैं अभी ये प्याज डालती हूँ,
और उसके साथ में ही ये लहसुन को डाल दूँगा। पालक का और लहसुन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज को एकदम बारीक काटना है और लहसुन को भी बारीक ही काटना है। हम ये जो प्यूरे बनाया था वो उसमें डालते हैं। गैस को थोड़ा कम करती हूँ और प्यूरे अच्छे से मिला लेती हूँ। इसमें मैं अभी नमक डालती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालना है। हरी सब्जी में ऑलरेडी नमक की मात्रा रहती है, इसलिए थोड़ा कम नमक डालना है। और एक चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है जो मैं उसके ऊपर डाल दूँ। ये मिक्सी में मैं थोड़ा ये पालक जिसमें बॉईल किया था वो पानी है उसे डाल रही हूँ, ये मैं उसमें ऐड कर दी। हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा लटपटा ही चाहिए। ये पनीर डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई करके लिया है। इसको भी मैं इसके साथ में ऐड कर देती हूँ। अभी सिर्फ 2-3 मिनट हमें ये दोनों साथ में पकने देना है और हमारी पालक की सब्जी तैयार हो गई। पालक पनीर की सब्जी तैयार हो गई है जिसे मैंने सर्विंग डिश में निकाला है। उसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा मलाई डालती हूँ जिससे टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। हमारी पालक पनीर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।